हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो होने वाली है हाइब्रिड सोलर सिस्टम पे। इस वीडियो में मतलब मेरा यही रहेगा कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में जितनी जानकारी हो सके उतनी आपको बता सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैनल कहाँ है, तो पैनल वहाँ है, इस छत के ऊपर लगा है, ठीक है, रूफ पे। 5 सोलर पैनल हैं 550 वाट के, उसका मैं फ़ोटो भी आपको दिखा दूँगा, ठीक है। आप लोग देखो, ये कोने में वहाँ से पाइप आया है, ठीक। पाइप में सिर्फ 3 तार है, एक है अर्थिंग का जो आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, और बाकी प्लस और माइनस सोलर पैनल से आउटपुट। 5 सोलर पैनल स्ट्रिंग में लगे हैं, ठीक है। अब ये जैसे ये अर्थिंग है, तो इसको भी जैसे आप देख रहे होंगे, ये माइनस ये इस कनेक्टर को बोलते हैं MC4 कनेक्टर। तो ये माइनस एम, ये फीमेल या माइनस, इस पर आप देख रहे होंगे। और इस MC4 कनेक्टर पे प्लस, ये मेल या, तो बस सोलर पैनल में भी ऐसे ही 2 कनेक्शन दिए रखते हैं, बस पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। स्ट्रिंग बनाने के लिए एक सोलर पैनल का पॉजिटिव दूसरे स्ट्रिंग के नेगेटिव में कनेक्ट करना होता है, ठीक है। ये मैं आपको अभी दिखा दूंगा। तो ये अर्थिंग है, ये 4, ये सोलर पैनल की अर्थिंग है। सोलर पैनल को अर्थिंग इसी तार से जाएगी, 4 square mm का ये तार है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये। अब ये जो सोलर पैनल का जो तार है, ये देखिए आप, ये पाइप फॉलो करते करते ये आया है अंदर की ओर, ठीक है, इन्वर्टर के पास। ये मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। तो ये जो है, ये बाहर से पाइप आया, इसमें आप देखिए सिर्फ और सिर्फ 3 तार है, दिखा है आपको, सोलर पैनल का पॉजिटिव, सोलर पैनल स्ट्रिंग का नेगेटिव, और सोलर पैनल का अर्थिंग, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये सोलर DC/DP में जा रहा है ये तार, ठीक। तो देखिए, पॉजिटिव तार गया फ्यूज में, नेगेटिव गया कनेक्टर में, और अर्थिंग गया SPD के अर्थ में। ये SPD में दिख रहा होगा आपको, PE प्रोटेक्टिव अर्थ, ठीक है। तो एक DC/DP में, मतलब इस स्ट्रिंग के DC/DP में आपको 3 प्रोटेक्टिव डिवाइस मिल जाएंगे। देखिए, एक फ्यूज है, एक SPD है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, पास से फ्यूज भी दिखा देता हूँ, दिख रहा है। इसमें 15 एम्पियर का फ्यूज लगा है, 15 या 10 एम्पियर का फ्यूज लगा है, मतलब देखना पड़ेगा मेरे को। और ये DC/DP खोलना बहुत आसान है, आपको ये स्प्रिंग नट लूज करने होते हैं। कैसे माउंट करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये दिख रहा है आपको। इसको माउंटिंग के जो पेच है, इसके अंदर है, दिखा, इसी से ये दीवार में माउंटेड है, ठीक। ये सोलर पैनल का जो तार है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये अर्थ है, ठीक, और ये MCB है। तो इससे ये आउटपुट निकल रहा है 2 तारों में, ये रहा 2 तार, ठीक। ये चला जाएगा अर्थिंग में, अर्थिंग जो लगी है, मतलब बाहर जमीन में लग गई अर्थिंग, ये मैं आपको दिखा दूंगा अभी, ठीक है। आपको ये वायरिंग समझ में आ गई DC की, ये यहाँ से इन्वर्टर में गया है, ठीक है, ये तार इन्वर्टर में गया है, प्लस और माइनस सोलर पैनल का। अभी मैं आपको इन्वर्टर भी खोल के दिखाऊंगा, ठीक। तो आपको सोलर पैनल के लिए, सोलर सिस्टम के लिए, एक DC/DP चाहिए,
एक एसी डीबी भी चाहिए। एसी डीबी अगर हाइब्रिड सिस्टम है, आपको बिजली वापस ग्रिड में सेंड करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, बिजली बेचनी है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। ये हमारा इन्वर्टर है, तो एसी डीबी का भी मैं कनेक्शन समझा देता हूँ, ठीक है। नीचे से एसी के दो तार गए आए हैं, फेस और न्यूट्रल, ठीक है। ये फेस टेप से मार्क्ड है, पहले ये एमसीबी में गया, ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट फेस और न्यूट्रल आउटपुट आया है। तो एसीडीबी में एक एमसीबी है C32 की, एसीएसपीडी है, दोनों में अंतर है, इसमें और इसमें दोनों में अंतर है, ठीक है। ये डीसी है, ये एसी है, ठीक, सिंगल फेज का ये एसीडीबी बॉक्स है, ये इंडिकेटर है, ठीक है। यहाँ से ये इन्वर्टर में एसी इनपुट जाता है, आप एसी से मतलब घर को मतलब चला सकते हैं, एसी बाईपास कर सकते हैं, बैटरी चार्ज कर सकते हैं, तो ये इन्वर्टर में एसी इनपुट है। ये ज़रूरी नहीं है सभी इन्वर्टरों में हो, ठीक। तो इस डीसीडी में आपको सिर्फ दो चीज सिर्फ दिखेगा, एसी इन, एसी आउट, और ये रहा अर्थ। तो ये अर्थिंग गई है नीचे, ये भी अर्थिंग नीचे गई है, ये इन्वर्टर में गई है, और ये इन्वर्टर की बॉडी अर्थ है। ये पीला वायर आपको दिख रहा होगा, यहाँ इन्वर्टर में बॉडी अर्थ है ये, ठीक है। तो अभी ये इन्वर्टर है लक्स पावर टेक का, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसमें सोलर पैनल का स्ट्रिंग कितना हो सकता है, 120 से लेके 500 वोल्ट तक मैक्सिमम, ठीक है। और इसी तरह आपको ये वायरिंग इन्वर्टर, अभी ये अभी मैं खोल के अभी आपको दिखा दूँगा, ठीक है। ये इन्वर्टर के आउटपुट से बस एक सॉकेट लगा है, और ये रही बैटरी, बैटरी का प्लस और माइनस, ठीक है। बैटरी भी मैं आपको दिखा दूँगा, ये है लिथियम बैटरी। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसमें 16 सेल लगे हैं, 1, 2, 4, 16, ठीक है। 16 सेल JKBMS, ठीक है, BMS का बैटरी माइनस, मेन माइनस से कनेक्टेड है, पी माइनस डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा इन्वर्टर में कनेक्टेड है, ठीक है। और पॉजिटिव जो है, मेन पॉजिटिव, वो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड, और बाकी ये बस बार है, आपको दिख रहा होगा ऐसे भी ये बस बार लगे हैं लाइन से, ठीक है। बाकी ये बैलेंस लीड्स है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा बीएमएस का, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा खोलते हैं, खोल के दिखाते हैं आपको। ये रहा इन्वर्टर, अभी 210 वोल्ट आ रहा है सोलर पैनल से, और कुछ यूज नहीं हो रहा है, 80 वाट, ठीक है। बैटरी चार्ज हो रही है 120 वाट से, ये आपको दिखा रहा होगा। इन्वर्टर नॉर्मल है, लाइट ग्रीन जल रही है, UPS इनेबल है, आउटपुट जा रहा है 50 हर्ट्ज एट 238 वोल्ट। उसी तरह ग्रिड भी ऑन है, ग्रिड से घर को लोड सप्लाई हो रहा है। तो इन्वर्टर खोलने के लिए आपको 3 स्क्रू और ये जाली, जिसमें 2 स्क्रू जाली में लगे हैं, और 1 स्क्रू आपको ये खोलना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे खुलता है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा बैटरी प्लस और माइनस, ठीक है, बैटरी प्लस और माइनस लगा है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कनेक्शन आपको समझ में आ ही गया होगा। ये इसमें 2 MPPT लगे हैं, आपको दिख रहा होगा PVA प्लस, PVA माइनस, PVB प्लस और PVB माइनस। तो आप इस इन्वर्टर में 2 MPPT है,
हर एक MPPT 4000 वाट का सोलर पैनल सपोर्ट करती है, ठीक है। तो अभी अपने पास सिर्फ 5 सोलर पैनल है 250 किलोवाट के, तो इसलिए दोनों MPPT कॉमन किया गया है इस तार से, ठीक है। और बाकी आपको दिख रहा होगा AC इनपुट में आपको दिख रहा होगा फेस न्यूट्रल अर्थ, AC आउटपुट में आपको दिख रहा होगा फेस न्यूट्रल अर्थ, ठीक। जनरेटर के कनेक्शन के लिए भी दिया है कनेक्शन, और ये रहा, ये इन्वर्टर का सर्किट ब्रेकर है, एक ऑन ऑफ स्विच है इन्वर्टर ऑन ऑफ करने का, और ये रहा UPS ऑन ऑफ करने का स्विच। और ये आपको जो दिख रहा होगा ये बैटरी कनेक्शन के लिए केबल है, इथरनेट केबल लगाते हैं इसमें ये। तो अभी BMS से अभी कनेक्शन अभी मतलब भी होना अभी बाकी है, ठीक है। ये आपको वायरिंग होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा वायरिंग ये। अब हम लोग आ गए नीचे, ये एक अर्थिंग है AC अर्थिंग, ऐसा ही एक अर्थिंग बाहर भी लगा है वो DC है, उसमें सोलर पैनल का अर्थिंग जाता है, ठीक है। ये पाइप आया है और ये अंदर गया है, ठीक है। ये मेन AC है, फेस न्यूट्रल आ रहा है, ये अर्थिंग है, इसमें सिर्फ एक तार है अर्थिंग का, ठीक है। ये वाईफाई का तार है, और ये जो है ये तार ऊपर गया है इन्वर्टर पे। अब मैं आपको इसका सिंपल सा वायरिंग डायग्राम समझा देता हूँ। ये AC इन है, ये घर का जो पावर कनेक्शन है फेस न्यूट्रल, इससे इन्वर्टर को जोड़ गया है 6, ये 10 square mm है, ये 6 square mm है, ये इन्वर्टर को गया है वायरिंग फेस न्यूट्रल की, ये जो आपको ACDB में जो मैंने आपको पहले दिखाया वही है, ठीक है। ये इन्वर्टर को गया है ACDB, और एक बाईपास चेंजर है, ठीक है। ये घर के लोड का आउटपुट है, ये एक अलग से AC है, और ये इन्वर्टर का आउटपुट है। तो अभी इसको और इसको ऊपर वाले पोजीशन पे कनेक्ट है, अगर इन इमरजेंसी इन्वर्टर ख़राब हो जाता है तो डायरेक्ट AC से घर का लोड चल सकता है इसको बाईपास कर देने पे, ठीक है।